दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बता रहा हूँ जिसे पढ़ने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए बिना आपका समय गवाए मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। हरीश नाम का एक लड़का था, उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई, हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे मगर अब हरीश थक गया था, वह रुक गया। फिर उसने एक खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया, वह धीरे धीरे चलने लगा मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जीत करके वापस उठा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। अतः वह उस पूरे किया, माने कि वह रेस हार गया लेकिन आज उसका विश्वास चरम सीमा पे था। रेस को कभी पूरा नहीं कर पाया था और ज़मीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों हमें भी इस तरह की गलती करते हैं हमारी लाइफ में। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते हो, छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो रोज 10 घंटे की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते मगर आपको भले ही 5 घंटे मिले, पढ़ना ज़रूर चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलते हैं कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। अगर आपको भी ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर आप और भी मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ना चाहते हो तो आप सभी हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए।